आज ये वाला देखेंगे, आज देखेंगे राइट अ प्रोग्राम टू टेक अ वेरिएबल प्रिंट इट, ये वाला प्रोग्राम देखेंगे आज। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, इसमें हम लोग बेसिकली नोटपैड यूज़ करेंगे एज अ टेक्स्ट एडिटर, और कंपाइलर के लिए हम लोग जीसीसी का कंपाइलर यूज़ करेंगे। ठीक है, जीसीसी कंपाइलर। तो इसके लिए सिंपली क्या करेंगे, नोटपैड एक टेक्स्ट फाइल बनाने से पहले, हैश इंक्लूड stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच एंड मेन फंक्शन देंगे। ठीक है, मेन फंक्शन उतार लें, क्लोज करने से पहले रिटर्न 0 देंगे। यहाँ पे हम लोग को एक वेरिएबल लेना है। ठीक है, तो एक वेरिएबल लेते हैं, इंटीजर टाइप वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम रखते हैं ए। ठीक है, और उसको कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं जैसे 10। ठीक है, और इसको स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए हम लोग सेमी कॉलन यूज़ करेंगे। उसके बाद इसको डिस्प्ले करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे, प्रिंट एफ फंक्शन, प्रिंट एफ फंक्शन। और ठीक है, प्रिंट एफ फंक्शन में हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है परसेंटी। ठीक है, और वैल्यू हम असाइन करेंगे ए का। ठीक है, इसमें हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं कि एक ए नाम का एक वेरिएबल ले रहे हैं। ठीक है, ए नाम का एक वेरिएबल ले रहे हैं, उसमें हम लोग वैल्यू 10 स्टोर कर रहे हैं ए में। ठीक है, जो एक इंटीजर टाइप है, और यही ए का वैल्यू हम लोग डिस्प्ले करने के लिए, कंसोल में डिस्प्ले करने के लिए हम लोग प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको रन करके देख लेते हैं। अच्छा, इसको पहले सेव कर लेते हैं, सेव एस, और इसका नाम दे देते हैं p2.c। ठीक है, इसको सेव कर दिए, इसको क्लोज करते हैं, इसको हटाते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं, इस फाइल को कंपाइल करेंगे। ठीक है, हम लोग जीसीसी कंपाइलर से, जीसीसी p2.c। ठीक है, जैसे इंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जिसका नाम ए रहेगा ये एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, अब इसको हम लोग ओपन करेंगे, तो हम लोग आउटपुट दिख जाएगा, आउटपुट में 10 दिखेगा सिर्फ हम लोग। ठीक है, ये 10 आ गई, तो बस इतना ही करना था इसमें। ठीक है,